रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टूर एक्सप्लेन। करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम आपके साथ थोड़ी सी लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर भाई, आज की वीडियो का क्या टाइटल है? आदित्य एल1 लॉन्च वॉच द मोमेंट व्हेन आदित्य एल1 मिशन शूट ऑफ फॉर द सन। देखेंगे आपके साथ मिलकर इंडिया टुडे का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1, 0 प्लस 5 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग P3 ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड प्लस 15 सेकेंड्स PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ फॉलोइंग नॉमिनल ट्रेजेक्ट्री एंड डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट द ब्राइट फ्यू रॉकेट लॉन्चेस मोर देन जस्ट The roaring sound and the vibrations that we can feel here are just amazing. Ground lit and air lit operating together with the first stage. Lit strap on separated. जैसा कि निर्धारित है सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन क्रम में अगला एयरलेड स्ट्रैपॉन को यान एयरलेड स्ट्रैपॉन जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रैपॉन को सफलता। वी आर 100 सेकंड्स पास्ट द लॉन्च टाइम द ग्राउंड्स हैव बीन सेपरेटेड S-139 मोटर स्टिल थ्रस्टिंग S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। द लॉन्च व्हीकल इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 73 किलोमीटर्स फर्स्ट स्टेज हैज बीन सेपरेटेड सेकंड स्टेज हैज बिगन इट्स ऑपरेशन and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shahr and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited.
द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकेंड का होगा. इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा. वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकेंड. जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी C57 का. For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सिमेटली 200 सेकेंड्स. यूनिक टू दिस मिशन द PS4 परफॉर्मेंस नॉर्मल will start twice at predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं. वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है. यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Amani Rakasha Mandalasya, Chakravati Khechara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asaya Yuvacharkarti, Bharvati, Jarhati Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere,
is available for the sustenance of Earth, the explosive phenomena in Sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने आदित्य L1 जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया सूर्य नमस्कार, यानी कि चांद को जाके सूरज को जाके नमस्कार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे साथ लास्ट वीडियो जो है हमने आपके साथ अभी एंड न्यू का देखा था, जिसमें बताया गया था कि 5 पॉइंट्स है सूरज के गिर्द, जो जिनमें से एक पॉइंट L1, L2, L3, L4, L5, जिनमें से एक पॉइंट है L1, वहाँ पे इसका जाना है और वहाँ जाकर ऑब्जर्व करना है सूरज को, उसके कोरोना लेयर को और उसके जो जो स्टॉर्म्स आते हैं, सन स्टॉर्म्स होते हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना। अब देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है, और ये उस तरह तो नहीं होगा जैसे चंद्रयान 3 का था कि वहाँ जाके हम लोग देख रहे हैं, मतलब वहाँ जाके नहीं, मतलब यहाँ बैठ के हम देख रहे हैं कि वहाँ कैसे वो सॉफ्ट लैंडिंग कर रही है। वो उसका इसका काम स्पेस में ही है, उसके ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना, और बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले अमेरिका ने और एक दो और कंट्रीज़ ने लॉन्च किया, लेकिन इतनी सक्सेसफुली अभी पूरा पहुँचा है नहीं, लेकिन अगर ये पहुँच जाता है वहाँ पर तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आई थिंक L1 पे शायद कोई नहीं गया, मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में, आप लोग नीचे इस हवाले से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या कह रहे हैं मोहम्मद इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह चंद्रयान 3 का उन्होंने सक्सेसफुल अपना कामयाब मिशन किया, अब मतलब सक्सेसफुल हुए उसके अंदर, इसी तरह ये L1 के अंदर L2 भी और L3 भी जैसे भी इसकी कैटेगरी बनाई गई है कि पहले हम इसको रिसर्च करेंगे, फिर इसको लहरों के मुताबिक, तो ये कर लेंगे उम्मीद है, क्योंकि पहले एक दफ़ा कर चुके हैं ना, मतलब ये हमारे सामने एक एग्जांपल, जिंदा एग्जांपल और ताज़ी ताज़ी एग्जांपल है, पहले उन्होंने किया है, तो ये भी नेक्स्ट भी यही इसी सेम इसी तरह होगा, मतलब जैसे वो सूरज की तरफ आप गए हैं, अब उस पर किस तरह उन्होंने रिसर्च करनी है, उसके बारे में कौन सी जो है वो शुआएँ उसकी आ रही हैं उसको ऑब्जर्व करना है, और कौन सी चीज़ें इससे दरियाफ्त हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए तो ये चांद पे और ये सूरज और बहुत तेज़ी से इंडिया जो है ना इस पर काम कर रहा है, अपने मुल्क पे तो काम कर रहे हैं, साथ साथ ये मतलब ये, अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि ये जो जिससे लॉन्च करते हैं ये जो रॉकेट होता है, इसका जो मतलब सारा मलबा होता है वो वापस आता है? नहीं, वो वापस तो नहीं, काफ़ी ऊपर जाके उसको ड्रॉप करता है, तो नीचे तो आई थिंक नहीं आता, वो काफ़ी ऊपर जाके उसके साथ हो रहता है, लेकिन बीच में जो अलग होते हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते होंगे नीचे आके, और वो प्रोजेक्शन होती है ना उसकी इस तरफ जा रहा है, समंदर की साइड से ज़्यादा लॉन्च करते हैं तो समंदर में ही गिरता होगा जाके, जो उसका पहला हिस्सा जो अलग होता है ना वो वाला पार्ट जो है। नहीं मतलब इसकी बनी होती है ना ऐसे सीधी नोक टाइप बना होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो जहाँ पे आग लगी होती है वो ऊपर तो जा रहा होता है, लेकिन वो उसके स्टेप जब कटते हैं जो जो बेसिक उसके अंदर जो चीज़ भेजी गई है, जैसे वो चंद्रयान 3 की मशीनें भेजी गई थी, तो वो ऊपर वाली साइड पे होती हैं? नहीं, जो थ्रस्ट वाला पार्ट है वो सारा जो इंजन है वो नीचे लगा होता है। अच्छा, ऊपर उसके सामान होता है जो ऊपर वाली टॉप वाली है ना उसके अंदर पड़े होते हैं सेटेलाइट वगैरह, जो फुल टॉप का पार्ट होता है ना जो नोक है उसके अंदर, बाकी फिर उसके सेक्शन होते हैं अलग अलग, अगर उस एफिशिएंटली बनाया तो हो सकता है सेंटर वाले में भी रखा हो, लेकिन नीचे ज़्यादातर इंजन होता है। और इसका सीन क्या है, मतलब ये कितने दिन तक पहुँचेगा L1? इसके बारे में भी पता नहीं कि कब तक ये पहुँचता है वहाँ पे, काफ़ी दूर है, जितना चांद उससे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, तो टाइम तो लग जाएगा काफ़ी। नहीं, इसको चांद को लग गया ये रॉकेट को, मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 15-20-40 दिन चल सके? हाँ, बाद में फिर ये ग्रेविटी के थ्रू जाएगा ना आगे, और जो इसका मेन रॉकेट है वो तो यही मतलब अलग हो जाएगा इससे, बाद में जो इसके अंदर के खुद के जो इंजन है वो काम करेंगे, तो ग्रेविटी का सहारा लेते हुए भी मतलब पूरा एफिशिएंटली, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी छोड़ी फिर दूसरी ग्रेविटी पकड़ी, मतलब ऊपर तो इजी हो जाएगा ना जाके? हाँ, यहाँ टेक्निकल भी काफ़ी हो जाएगा, इजी तो इस तरह नहीं क्योंकि उसमें बार बार चेंज करना है, इसमें तो ये ना एक फिक्स्ड फोर्स होती है, पता ये साथ ही है, जितनी लगाएंगे चल जाएगी, वो ज़्यादा ऊपर जाके टेक्निकल हो जाता है कि जहाँ एक ग्रेविटी को छोड़ना है दूसरी को पकड़ना है करते करते इस तरह आगे जाना है, तो उसमें ज़्यादा वो टेक्निकल है, ईजी आई थिंक ये वाला ज़्यादा स्टार्ट में जब लॉन्च होता है वो। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना, और ये भी बताना कब तक ये पहुंच जाएगा, ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि चांद की निस्बत जो इसका डिस्टेंस है L1 पॉइंट का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो चांद को वहाँ पहुँचने में लग गए थे कोई 2-3 हफ्ते आई थिंक मेरे ख्याल में, ढाई 3 हफ्ते लग गए थे, तो इसको इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, देखेंगे कब तक पहुँचता है ये, और उम्मीद है सक्सेसफुली ये भी अपना मिशन जैसे चंद्रयान 3 ने पहुंच गया है अब स्टार्ट कर दिया, ये भी अपना ऐसे स्टार्ट कर देगा। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।